And now I have the honor to call upon Mr. Zen Jeevanji to come up here and have a few words with our guests. And maybe we'll take some questions from the audience as well. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you very much. Does anybody here doesn't understand Hindi or Urdu? You don't? I do. You do? Anybody doesn't understand, so I can do it in Urdu? I feel more comfortable speaking in Urdu. If anybody wants English, I can do both. My English is not as good as my Urdu, so I'll talk in Urdu. Urdu, okay? First of all, thank you very much. Urdu, Hindi. हाँ पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं मेरे ख्याल में कितनी रात जाग जाग की जो खुशियाँ दी हैं आपने आप दोनों ने तो आपका शुक्रिया आपने जो खिदमत पाकिस्तान के लिए की उसके लिए तो मुझे मैं पहले आपसे कामरान भाई आपसे कहूँ ये बताएं कि यहाँ यूएस में आप पहली दफ़ा आए हैं कोई चीज़ नहीं इस तरह कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम देखा जिसमें एक प्लेयर आता है और हर शहर पर जाके जी ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कोई पाँच छः साल से मैं आ रहा हूँ एवरी ईयर्स फोर टू फाइव टाइम आता हूँ यूएस में और फुली क्रेडिट देता हूँ यूएस क्रिकेट वर्ल्ड को और शफी खान को जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया ये बच्चे आए हुए हैं उनके पेरेंट्स आए हुए हैं जहाँ पे कैंप किया बड़ा इंजॉय किया बच्चे बड़े टैलेंट है और जैसे सखी भाई हमारे साथ हैं मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यूएस क्रिकेट के लिए भी इन बच्चों के लिए भी कि इनके साथ काम करें जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने इनसे सीखा खेल के इनके साथ वो अपना शेयर किया है तो बड़ा अच्छा और ये काम मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था कि इस वक्त तक टीम जैसे अफगानिस्तान की खड़ी हुई है वैसी टीम यहाँ की बन जाती तो लेट आए नेवर माइंड लेकिन जो काम कर रहे हैं यूएस क्रिकेट वर्ल्ड और शफी खान इनकी मैनेजमेंट इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ऐसे बच्चे टैलेंट जैसे हम लोगों को जो चार बच्चे मैंने कल देखे हैं विकेट कीपर का नाम तो मुझे याद नहीं है एक तो बैठा हुआ है एक विकेट कीपर है तो यही चीज़ें हैं मेरे ख्याल से ऐसे कैंप्स लगे रहेंगे फुल टाइम क्रिकेट होती रहेगी यहाँ पर ऐसे कैंप और ऐसे प्लेयर्स आते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर ब्राइट है यूएस क्रिकेट का ये दूसरी दूसरा था ये तीसरा था तो यानी जब जब कोई आदमी नई किस्म की बॉलिंग इजाद करता है क्योंकि 200 साल से 300 साल से क्रिकेट चल रही है नई इजाद करता तो किस तरह आपने सोच के कहा कि ये ये क्या ये कोई एक गलत बॉल गिर गई आपने कहा कि ये करना कि शुरू कर दो नहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत गेंद गिर गई और आपने समझा कि ये समय ऐसे होता नहीं है मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान है बड़ा स्पेशल है इंसान को ऊपर वाले ने बड़ा स्पेशल बनाया है मैं जब छोटा होता था तो कहानियाँ सुनता था कि यार चांद पे चला गया इंसान हवा में उड़ रहा है इंसान जहाज़ में फिर वो पानी के नीचे चले गए अंडर द वाटर सबमरीन में तो ये सारी चीज़ें सोचता मैंने कहा यार इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं क्रिकेट में कोई ऐसी चीज़ करूँ जो डिफरेंट हो ये जितना भी जो कुछ आया हुआ है इससे कोई मुख्तलिफ हो जाए तो मैं सोचता था कि कोई नई चीज़ हो और मैं फिर दुआ करता था रात को सोने से पहले और जब मैं खेलता था तब भी दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो तो घंटों छत के ऊपर अपने घर की टेबल टेनिस बॉल जो पिंग पोंग बॉल होता है उसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था और आई थिंक गालिबन 2 साल तक एक्सपेरिमेंट करता रहा मुझे सब पता था कि ये लेग स्पिन ऐसे होती है गुगली ऐसे होगा ऑफ स्पिन ऐसे होगा इवन ये जो कैरम बॉल अजंता मेंडस अश्विन ने किया मैं उस वक्त वो भी कर लेता था फिर टेनिस बॉल से भी करता था इन द एज ऑफ आई थिंक प्रॉब्ली 10-11 छत पे ही कैरम बॉल भी गेंद करता था छोटे गेंद से तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता था कैरम बॉल बल्कि इनफैक्ट क्रिकेट बॉल से करने की कोशिश की तो मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो गया मैंने वो छोड़ दिया मगर 2 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो है मुझे दूसरा एक डिलीवरी थी वो छत पे ही इजाद हुई फिर उसको टेबल टेनिस से टेनिस बॉल टेनिस से टेप टेनिस बॉल टेप टेनिस से क्रिकेट बॉल और जब क्रिकेट बॉल से करता था तो वो मेरे से होता नहीं था तो ये जितनी भी ड्रिल्स बच्चों से कल भी मैं कह रहा था कि भाई तुम छोटे डिस्टेंस से शुरू करो तो ये मैंने की थी मैं छोटे डिस्टेंस से फिर शुरू किया फिर मैंने देखा कि मेरे मसल डेवलप नहीं है तो मैं खुद ही एक्सरसाइज सोचता था कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ जो कि मेरे शोल्डर के इस मसल को स्ट्रॉन्ग कर दे और बॉलिंग करते हुए पता होता था कि यार ये मुझे टांगों में जान नहीं है या काफ मसल सही नहीं है
बैक ऑफ द शोल्डर से ही नहीं, तो वो खुद ही कोई एक्सरसाइज सोचता था, फिर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता था, कुछ महीने के बाद पता चलता था कि यार इस एक्सरसाइज से इस बॉल की इस डिलीवरी को फ़ायदा हुआ। तो क्रिएटिव माइंड हो, सोचो कुछ ना कुछ, कभी मैंने कुछ डिफरेंट करना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये इंसान जो है ये कमाल है। हमने अपने आप को डिवैल्यू किया हुआ, इमेजिन करो कि इंसान क्या क्या कुछ कर सकता है और क्या क्या कुछ हुआ हुआ है। तो क्रिकेट के अंदर मैं जब कोचिंग भी करता हूँ, मैं कहता हूँ 5 आउट करना मुश्किल है या चांद पे जाना मुश्किल है। तो बच्चे कहते हैं चांद पे जाना मुश्किल है, पता नहीं कितने साल लगे और क्यों, 5 आउट करना भी मुश्किल है। तो अगर आप उसको अपने आप को इस तरह सोचोगे तो आपको खुद ब खुद पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे और आप जो चाहोगे वो कर लोगे। शुक्रिया कमरान भाई। एक सवाल के यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सिलिकॉन वैली में बैठे हुए हैं, तो चूंकि जगह ऐसी है, आपको इनोवेशन का चांस मिलता है, आपको तरक्की का चांस मिलता है, कोई आपको आगे पीछे नहीं पूछता, आप बढ़ सकते हैं। आप उस दौर में क्रिकेट में आए जब मेरे ख्याल में पाकिस्तान का उरूज थोड़ा सा नीचे जाने लगा था, लीडरशिप में भी प्रॉब्लम्स थी, क्या ये चैलेंजिंग था कि आपके लिए कि इतना टैलेंट और आप उस दौर में आए कि आपको पूरा फ़ायदा नहीं उठाया पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान को मुल्क को पूरा पॉसिबिलिटी नहीं मिली आपकी टैलेंट की, उस एरे में आया पाए? जिस एरे में मैं आया हूँ तो मेरे ख्याल से उस टाइम मोइन भाई और राशिद भाई रेगुलर थे। हाँ। और जितनी उनकी परफॉर्मेंस है मेरे आइडियल भी है, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मुझसे तो मुझे तो अंडर 19 पाकिस्तान नहीं खिलाते थे क्योंकि वो हमायूं भाई खेल जाते थे, शकील होता था वो खेल जाता था, तो मुझे तो कोई मैच पाकिस्तान का जूनियर लेवल पे भी नहीं खेला सिवाय अंडर 15 के। तो बस अपनी मेहनत नहीं मैंने छोड़ी, फोकस नहीं छोड़ा, जो एक एम था उसमें मैं हर जगह कहता हूँ वो मेरे पेरेंट्स थे, जिन्होंने मेरे वालिद साहब थे जिन्होंने मुझसे काम लिया, मुझसे मेहनत करवाई, मुझे सपोर्ट किया पूरा। जैसे ये आए हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो ये टाइम इनके लिए बड़ा लकी है कि ऐसे कैंप इनको मिल रहे हैं। उस वक्त तो हम इनको जंगले के बाहर ही स्टेडियम के देखते थे, अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं होती थी। तो वैसे वसीम भाई के साथ, विकी भाई के अंडर, वकार भाई की कैप्टनसी में खेलना, इंजी भाई के साथ खेलना, उस टीम में बड़ा मुश्किल था एज ए विकेट कीपर खेलना। तो बड़ी मेरे ख्याल से खुशी की बात थी मेरे लिए। बस मैंने अपनी डोमेस्टिक और अपनी क्रिकेट को फोकस बनाया, मेहनत की तो अल्लाह ने इज्जत दी है, फैमिली की दुआएं थी। तो यही चीज़ है, मेहनत मेरे ख्याल से जितनी करेंगे अल्लाह उतना मेरे ख्याल से नवाजेगा आप लोगों को। और मेरे अभी भी मेहनत कंटिन्यू रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन ये है कि इन बच्चों के लिए हम आए और इनको चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते रहे हैं तो अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है उनकी दुआओं से। तो रिक्वेस्ट यही है पूरे US को कि अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, क्रिकेट की तरफ लाएं। इस काम के लिए हम लोग आए हैं, जो एक काम किया है शफीक खान ने US क्रिकेट वर्ल्ड ने, तो मेरे ख्याल से इनकी मेहनत रायगार नहीं जानी चाहिए। इंशाल्लाह इसका फल ज़रूर US क्रिकेट वर्ल्ड अमेरिका की क्रिकेट को देगा। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल और फिर उसके बाद खाना भी पड़ा है और चीज़ें भी। सिकंदर भाई, आपने इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड the East Coast, England, Australia, the teams that, the world's greatest teams East Coast, सबको कोच किया हुआ है इन्होंने। ये आज आपके पास मौका है कि इनसे, you know, you're very fortunate, the younger generation that's sitting here that has got coaching lessons. तो आप, you know, आपने बड़ी बड़ी टीमों, बड़े बड़े प्लेयर्स को कोच किया, यहाँ टैलेंट देख के, और आप पाकिस्तान में भी देखते होंगे, इंग्लैंड में भी देखते होंगे यंगस्टर्स की, किस लेवल पर आप सोचते हैं डिफरेंस होगा? और बिल्कुल ऑनेस्ट, हाँ नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट ही जवाब देना चाहिए। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट नज़र आए जितने भी इस टूर पे मैंने देखे हैं। माना ये US में है, इनको उस तरह की क्रिकेट तो नहीं मिलती जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में मिलती है, मगर इनमें बहुत पोटेंशियल है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अनफॉर्चुनेटली एक तो पूरा साल नहीं खेल सकते, हमारे वहाँ तो हर इवनिंग हम क्रिकेट खेलते हैं। मैं कॉलेज में था तो हम लोग महीने में 20 मैच खेलते थे, ग्राउंड खुद बनाते थे, पिच खुद प्रिपेयर करते थे, रोलर पिच के ऊपर चलाना वो भी खुद ही करते थे, 20 मैच खेलते थे, 10 दिन बीच में जो है उसमें भी हमारी प्रैक्टिस होती थी, तो 30 के 30 दिन क्रिकेट होते थे टूर्नामेंट से पहले, ये प्रिपरेशन होती थी। स्किल वाइज ये सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं,
इनके अंदर बहुत पोटेंशियल, वेरी क्विक लर्नर. जैसे अभी आपने अमरार भाई ने कहा 15 मिनट के अंदर ही, मेरा कमाल थोड़ी है. मैंने एक चीज़ देखी, मैंने उसको कहा क्या तुम कर सकते हो, उसने 15 मिनट में कर दिया. तो मुझे कहीं और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कहीं और टेक्निकल चीज़ों को छेड़ूँ या देखूँ या जांचूँ या उनको खोलने की कोशिश करूँ. मुझे तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करने दिया उस बच्चे ने. 15 मिनट के अंदर जो है उसने पिक कर ली थी. उसका मतलब ये है कि दे आर वेरी क्विक लर्नर और इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है. पर अब ये है कि इनको कितनी क्रिकेट मिलती है. और मैं ये समझता हूँ वाकई कामी ने जो कहा टोटली एग्री 100%. यू ऑल आर वेरी लकी. वी मस्ट से थैंक्स टू USA क्रिकेट वर्ल्ड, स्पेशली शफीक खान, कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोग यहाँ पे आए और आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ, पेरेंट्स से मिलने. यकीन करें हमें वाकई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी. क्रेडिट टू मिस्टर शफीक एंड आई थिंक वी ऑल शुड यू नो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. बहुत टैलेंट है बच्चों में, वेरी क्विक लर्नर. Some 20 years from now, when the American team will be playing in the World Cup, and we'll have to thank Shafiq Sal for that, I guess. Abrar Sahab, can I call you up and you can take the podium back? Sure, sir. Don't give me a chance to talk anymore. I was hoping Zanbhai would stay here a little longer. I could take a breath. Thank you, Zanbhai, and thank you, Saqlain and Kamran. I know you're all hungry, at least I am, and a couple of friends that I know, they're really hungry. I can't mention their names. I would like to introduce the person who's behind this innovative idea that Kamran mentioned, that this hasn't happened before and it should have happened 15 years ago, right? And I think there were some attempts made. I think you can call me a historian on cricket in US. I've been, you know, getting my feet dirty, getting my knees banged and my fingers hurt because of cricket and since 1984. Okay. It's like any passion for the sport, right? I think these youngsters are very fortunate that their parents are supporting them. Just like Kamran was, his dad supported him to become a... And I think the key that you heard from both of these gentlemen is commitment and fitness. And the other thing is listen. Not only to your coaches, your parents, especially. Like Saqlain mentioned yesterday, I'm sure I'm going to ask him to say a few words so that... I know we talked in Urdu, and I would like to ask him later to have a few words for the youngsters. And not only the youngsters, but I see some adult players here that can probably benefit from that as well. Because I know when I'm in the field, I'm very hard on the guys. But sometimes they think, oh, that old man, he doesn't know, right? I can hit a six, but that's all they can do in a whole inning, right? And then they're sitting outside for the rest of the 49 overs while I'm batting there for 25 overs, right? So I think that you will learn something that you can apply in not only in cricket, but in life. Going back to the gentleman who's behind this and the organization, USA Cricket World, we appreciate their initiative. This is not where we're gonna stop. This is just, we're just scraping at earth right now. And we want to go much deeper than this. I think Cricket World's vision is much broader. So I don't want to speak for that. And I think the best person, the person behind it, is Shafiq Khan. I would like to have him come up here and give us a vision of USA Cricket World and where we're going to go from here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीक डेज में, बड़ी बात है कि मंडे को इस तमाम फैमिली बच्चे सब तशरीफ़ लाए और
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो कल तशरीफ लेके आए थे. कल तकरीबन 16 बच्चे हमारे पास आए. एक्सपेक्ट तो हम 116 कर रहे थे मगर लकीली 16 हमारे पास आए. और ये 16 नहीं थे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे. अल्हम्दुलिल्लाह 16 डायमंड हमें कल मिले हैं. ख़ास कर से बच्चे को मैं देखे जा रहा हूँ कि जिसने जो कल परफॉर्मेंस दी है इससे मेरे मेहमान भी इतने मुतासर हैं. और भाई गोरों को क्रिकेट सिखाते हैं तो देख लें किस लेवल का है. और उन्होंने ऐसे डायमंड यहाँ से निकाले हैं. ये अच्छा, ये हमारे 10 कैंप हैं न्यूयॉर्क से लेके एल ए तक. तो दूसरा कैंप हमारा जो था, पहला कैंप न्यूयॉर्क में था, दूसरा कैंप न्यूजर्सी में था. न्यूजर्सी में भी जो बच्चे आए थे हम उससे बड़े मुतासर हुए. मगर कल जो यहाँ कैंपिंग हुई है, यहाँ कोचिंग जो हुई है, तो ये आप लोग नंबर ले गए सबसे. सैन फ्रांसिस्को के बच्चे एक नंबर पे आए. हमारे मेहमान कल जब कैंप ख़त्म हुआ उससे लेके आखिर तक हमारे यही तारीफ़ें हो रही थी. और इब्रार भाई जो हमारे ख़ास मेन दोस्त भी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी यही कहे जा रहे थे कि यार यानी मेहमानों से यही बातें हो रही थी कि सैन फ्रांसिस्को में तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी आप यानी ये इतने सीरियस हैं. ख़ासकर जो पेरेंट्स पीछे खड़े हुए और जब उनसे हमारी मीटिंग्स हुई वो कह रहे हैं भाई आप हमें इन बच्चों को आगे लेके जाएँ. और हम चाह रहे हैं फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम भी यही था कि मैं खुद 25 साल से न्यूयॉर्क में रहता हूँ, 25 साल से खेल भी रहा हूँ. मैंने कोई इतने बड़े लेवल पे तो क्रिकेट नहीं खेली, बस जिस लेवल पे भी खेली है. मगर हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सब क्रिकेट लवर हैं. हम इस जुनून तक इस गेम से प्यार करते हैं. और फिर जो जैसे कामी भाई ने कहा कि आज से 15 साल पहले ये कैंप होना चाहिए था, आप यकीन करें कि 15 साल पहले भी ये ख्याल दिल में आया था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये $1.5-2 लाख लगाऊँ या ना लगाऊँ. और फिर कोशिश की और ये पूरा ट्रिप जो 27-28 दिन का ये प्लान किया. और वक्त के इनिस राइट नाउ एशिया के सबसे बड़े कोच और इतने बड़े प्लेयर को फर्स्ट टाइम लेके आना, ये हम छोटा भी स्टार्ट ले सकते थे मगर उसके इतने असरात ना होते. इसलिए कि मैं खुद इतना नहीं खेला हूँ कि मैं आके इनका टैलेंट देखूँ और मैं कुछ सेलेक्ट करूँ. लिहाजा मैंने ऐसी टीम जोड़ी कि जो बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, कीपिंग के हवाले से और जो दूसरी टेक्निक होती है उस हवाले से वर्ल्ड में जाने जाते हैं. तो एक ताली होनी चाहिए इनके लिए कि ये वो कोच हैं सकलेन भाई के जिन्होंने इनके स्टूडेंट जो हैं आज मुख्तलिफ मुल्कों में खेल रहे हैं. पाकिस्तान के अलावा जो टेस्ट कंट्रीज हैं 10-12 उसके अंदर इनके स्टूडेंट खेल रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया. और मुझे जो ये आज हमारा 8वां कैंप था, यानी आज 8वां सिटी था, जो मुझे रिस्पांस मिला, जो बच्चे सामने आए हैं, इसको देखते हुए हम 3 महीने बाद दोबारा इंशाल्लाह वापस फिर आ रहे हैं. और उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट कोचेस को भी लेके आएँ जो इंटरनेशनल लेवल के हों. खासकर इंडिया से हमारे कोच ज़रूर वापस आते आएंगे. इसलिए कि 90% 90-95% हमने देखा कि जितने बच्चे थे वो ज़्यादातर इंडियन बच्चे आए हैं. ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी. मैंने क्रिकेट सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी तक खेली इसलिए कि हमारे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है उस तरफ. हालांकि हमारे सिर्फ 5-6 महीने क्रिकेट होती है, बाकी में स्लो वगैरह होती है. बट जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिला, जितना टैलेंट हमें यहाँ नज़र आया, ये हमारे उस तरफ वहाँ नहीं है. तो ये आप सब इस के लायक हैं कि हमें दोबारा आना पड़ेगा. मैं जब भी कैंप लेके आऊँगा इंशाल्लाह सैन फ्रांसिस्को में, ये यहाँ हम ज़रूर कैंप लगाएंगे. बाकी ये कि भाई क्रिकेट प्रमोट करना मकसद मेन यही है और ऐसे डायमंड यहाँ से लेके इनको आगे लेके जाना. देखें जब मैं खेला हूँ, मैंने 90 में हाई स्कूल किया तो मुझे याद है कि जावेद मेदार भाई हमारे स्कूल आए थे. बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं बैटिंग के हवाले से. उन्होंने हमें 10-15 मिनट वहाँ थोड़ी सी टेक्निक वगैरह बताई थी. मैं आज भी 30-32 साल बाद ये चीज़ फील करता हूँ. तो इन बच्चों को कल 5-6 घंटे का टाइम मिला बल्कि इसके आसपास, तो ये इस चीज़ को भूलेंगे नहीं. और ये चांस हमें नहीं मिला. हम ये चाहते हैं कि आप लोग दोबारा हमसे रब्ता करें. जो आप लोग सीरियस हैं, अगर अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, भाई कोई इसको बुराई नहीं है, आप डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्रिकेट प्लेइंग कंट्री में जाना पड़ेगा. तो राइट नाउ उनकी एकेडमी है सक्लैन मुश्ताक क्रिकेट एकेडमी इंग्लैंड में. अगर आप चाहते हैं हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान करते हैं अपने जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिहाज से. और फिर एक महीने का ट्रिप बन सकता है, वीक का, 2 वीक का, जो भी होगा वो आपसे पूरा सक्लैन भाई जो है उसको पूरे ग्रुप को बनाएंगे. और मुख्तलिफ स्टेटों से हमें 8 सिटीज़ से बच्चे, हर सिटी से हमें 2-3 बच्चे ऐसे आउटस्टैंडिंग मिले हैं जिनसे अब हम रबते में हैं. तो प्लीज़ USA क्रिकेट वर्ल्ड जो है इसको आप फॉलो करते रहें. फेसबुक पे साको को फॉलो करते रहें. जो भी हमारा प्लान होगा, हमारे नंबर कॉन्टेक्ट हमारे पास है, नहीं तो अपना इब्रार भाई बैठे हुए, इनसे रबता कीजिएगा. तो ये तो फ्यूचर के प्लान हमारे हैं.
और उसके अलावा आप सबका दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और प्लीज़ गेम को सिर्फ वीकेंड में ना रखें, इसको आगे फैलाएं। माना कि यहाँ क्रिकेट दबी हुई है बेसबॉल की वजह से या किसी और गेम की वजह से, क्रिकेट प्लेइंग कंट्री नहीं है, मगर यकीन करें कि जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने और बांग्लादेश की टीम ने पिछले 10-15 सालों में जितने बेहतर बन के ऊपर सामने आए हैं, तो US की टीम में इतनी पावर है। इन बच्चों को देखते हुए हमें 10-15 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, शायद 10-15 महीने ही वेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। तो साहब सब सीरियस है ना इसके लिए? थैंक यू, थैंक यू।